स्क्रिप्ट ही आपने ये तो बेवकूफ ऑडियंस ने बेवकूफ लोगों को एक तो पॉपुलर कर दिया है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्लेग्राउंड सीजन 4 अभी जोरों शोरों से चल रहा है, जहां अलग अलग कंटेस्टेंट अपनी अलग अलग पर्सनालिटी लेकर आ रहे हैं और ऑडिशन के टाइम थोड़ी फन मस्ती भी करते रहते हैं हमारे मेंटर्स के साथ। लेकिन एक बंदी उसमें आई थी, गिन्नी पांडे, जो कि बिहार से बिलोंग करती है। सो उसके ऊपर एक छोटा सा मजाक एल्विस भाई ने किया था, जिसको कि प्लेग्राउंड वालों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एडिट करके पोस्ट किया, जो कि उनके भाई को अच्छा नहीं लगा। सो उसका भाई एल्विस यादव और साथ ही प्लेग्राउंड की टीम के ऊपर काफी नाराज हुआ और क्या कुछ उन्होंने बोला आप देखिए। यादव, ये लेम जोक्स मारना ना, उसको दिया होगा स्क्रिप्ट ही आपने। ये तो बेवकूफ ऑडियंस ने बेवकूफ लोगों को एक तो पॉपुलर कर दिया है। आप जो कह दो हम वो कर देंगे। नहीं, वो तो नहीं करवाना। वो नहीं, वो क्या लगता है, किसी भी लड़की को अगर इसे लेम जोक से प्रॉब्लम नहीं होता तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? इतना गंदा उम्मीद नहीं था। नहीं मारे आप, आपने टेलीकास्ट भी किया, हम वहां तक भी चुके, आपने दोबारा ये रील बना करके बहुत बड़ी। ये तो साला ये पैसा पूसा भी नहीं दे रहे हैं ढंग का, सड़ा सा तो पैसा दे रहे हैं, इतना कम तो पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी गिननी गई और हमको वैसे भी पैसा नहीं चाहिए था कुछ खास। साला डाउट था ना, समझे? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, तुम ये मत सोचना कि तुम आए प्लेग्राउंड होकर बोले। सिंपल सी बात है, बिहारी चढ़ जाएगा ना तो रेल भर भर के आने लगेंगे। बिहारी का छोड़ ना, बिहारती हूँ मैं, तेरा देख होस्ट ठिकाने एक बार मैं साफ कर दूंगी पूरा बॉलीवुड। और आप लोगों को भी पता नहीं है उस शो के अंदर जो गिन्नी है ना, मैं हम लोग ऐसा साउंड नहीं, एरोगेंट साउंड नहीं करना चाहते, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, लेकिन गिन्नी की वजह से हाफ ऑफ द टीआरपी इज जस्ट बिकॉज ऑफ गिन्नी पांडे। अगर आपको पता नहीं है तो जान लो, अभी गिन्नी वहां से निकल जाएगी। हम लोग अभी, मैं तो पागल हो रहा था, अभी सोचा कि अभी फ्लाइट लेके जाते हैं वहां पे। दोस्तों, क्या लगता है आपको इस बारे में, क्या सच में गिन्नी पांडे टीआरपी दे रही है प्लेग्राउंड को? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग गिन्नी पांडे को प्लेग्राउंड इस सीजन से पहले जानते थे या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। टिल देन, चेन्नई मातरम, गुड बाय।